हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्प में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बिहार में आए DLED डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021-23 तक की जो एडमिशन होने वाली है इसके बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगी और इसकी डेट कब से कब तक की गई है, और इसके ऑनलाइन प्रोसेस बताएँगे स्टेप बाई स्टेप। तो मेरे चैनल पर बने रहें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल के सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करनी है भारत रिजल्ट। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होती है दोस्तों, जो आप यहाँ पर रिजल्ट भारत लिखी हुई है इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख रहे हैं कि नया पेज ओपन आ गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन बिहार DLED जिलावार प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें जो है ओबीसी होगी, WS या जनरल जो भी इसमें आते होंगे उनको 100 रुपये चार्ज लगेंगे, और SC ST या ये भी जो भी कैटेगरी इसमें भी आते हैं उसके भी 100 रुपये चार्ज हैं। और इसके बाद जो इसकी डेट है यहाँ पे दी 18 अगस्त से लास्ट डेट जो है 1 सितंबर तक दी हुई है, और इसमें मेरिट लिस्ट जो जारी करने की डेट दी गई है 13 सितंबर 2021, फाइनल मेरिट लिस्ट अवेलेबल 27 सितंबर 2021 तक दी हुई, और एडमिशन स्टार्ट जो आपकी एडमिशन होगी 18 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस क्राइटेरिया जो आपकी इसे मांग रही है, पास आउट 12th मतलब कि 50% से आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, और OBC EWS या जनरल में आते हैं तो 45% मार्क्स। तो इस हिसाब से देख रहे पाएंगे आप, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, 17+ होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसमें जो एडमिशन होने वाली है डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है, जैसे कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पटना, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, इस तरह सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और इसके सामने जो आप देख पा रहे हैं, अगर इसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बीच की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं, या आपको ऑनलाइन करनी है अप्लाई तो आप डायरेक्टली, जैसे कि हम सीतामढ़ी की बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक की जो ऑप्शन दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट ये आपको लिंक पर ला देती है जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है इस पर। तो दोस्तों पहले हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, जिसके लिए आपको 3 डॉट पे जाना होगा और डेस्कटॉप साइट मोड पे ले जाना होगा, ताकि यहाँ पे देख पाएँ कि आपके सामने फुल स्क्रीन हो चुकी है। तो दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, इस पर आप क्लिक कर देंगे सिंपली। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो फॉर्म आ गया आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाली, इसमें सारे को डिटेल्स में भरने हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ पहले कैसे कैसे भरनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कैंडिडेट अपना आप अपना नाम डालेंगे। सेकेंड में फादर्स नेम दे रहा है, तो आप यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे। इस कॉलम में आप मदर का नाम, और इसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ पर जो दिख रहा है डेट मतलब एज जो बता रही है आप इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद अब जेंडर जो मेल फीमेल जो आएंगे इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद विलेज का नाम टाइप करेंगे, और स्ट्रीट मतलब गली या मोहल्ला जो भी हो इसमें आप टाइप करेंगे, और पुलिस ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस जो मतलब पोस्ट ऑफिस जो भी आपका हो वो इसमें टाइप करेंगे, पुलिस स्टेशन टाइप करेंगे इसमें, और डिस्ट्रिक्ट इसमें टाइप कर लेंगे, इसमें पिन कोड, इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, इसमें ईमेल टाइप कर देंगे दोस्तों। इसके बाद अगर आपके सेम एड्रेस रहती है तो आप यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जो दिखा रहा है इस पर टिक कर देंगे, जिससे कि सारे कॉलम में ऑटोमेटिकली से फिल हो जाएगी, या अगर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सैनिक जो वंशज है, तो उसमें आप हाँ या ना में क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो इसके बाद आगे हम जब चलते हैं तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर कास्ट कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो भी कास्ट से आ रहे हैं उसमें कास्ट टाइप कर लेंगे। उसके बाद इफ़ हैंडीकैप मतलब आप विकलांग हो तो यस, नहीं तो नो, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हायर एजुकेशन, आपके जो भी हायर एजुकेशन है वो आप इसमें
टाइप कर फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको जो कैटेगरी है इसमें आर्ट कॉमर्स साइंस, इसको आप देख लेंगे आप अपने हिसाब से। उसके बाद ये आप उर्दू में जानते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स बताने हैं इसमें, तो आप किस बोर्ड से आते हैं उसको टाइप कर लेंगे। पासिंग ईयर कब की और देख लेंगे, इसमें टोटल मार्क्स कितने की एग्ज़ाम हुई थी उसको इसमें देख लेंगे, कितने नंबर आपको मिले थे उसको इसमें टाइप करेंगे, उसे परसेंटेज में टाइप कर लेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की बात आती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बोर्ड का नाम है, वही सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए, परसेंटेज। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें फिल कर दीजिएगा, मतलब अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, और रेसिडेंस मतलब कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देनी है। इसके बाद सिग्नेचर आप अपने इसमें अपलोड करेंगे, और 12th की इसमें मार्कशीट अपलोड कर देंगे, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट में आप क्लिक करने, तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि मैं सारे अपलोड कर दिए हूँ डॉक्यूमेंट सब, और सिंपली मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं सबमिट पर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि पंजीकरण संख्या जो आप दिख रहा है ये आ गया है, और अब यहाँ पे आप भुगतान करें के ऑप्शन, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली। तो अब सबसे पहले हम आप भुगतान करें इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसके सामने कुछ नया पेज ओपन होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से ऑप्शन आता है, इस पर टिक करने के लिए बोल रहा है, इस पर हम टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद आप आगे बढ़ें यानी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होता है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी के चुनेंगे कि किस तरह से आप इसको। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रही है, जैसे कि आप अपने यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए तो वह टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, और यहाँ पर जो फ़ी दी हुई तो फी रहेगी, ट्यूशन फ़ी में छोड़ देनी है, अदर फी में छोड़ देनी है, उसके बाद नेम डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी, मोबाइल नंबर, ईमेल, और इसमें कैप्चा टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो हम सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और पेज आएगी, जो कि हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कन्फर्म करने के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपली कन्फर्म करेंगे। तो कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आते हैं जो पेमेंट करने के तरीके बताते हैं, जैसे में कि आप दिखा रहा है कि स्टेट बैंक से कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है, इस सारे से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब UPI ID से हम करेंगे, जिससे कि पेमेंट शुल्क नहीं लगती एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इस तरह से पेज ओपन होती है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देती है, जिससे कि आप VPA के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या QR कोड के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम QR कोड के द्वारा हम करेंगे पेमेंट। तो फ्रेंड्स आप देख पाएँ कि यहाँ पर सबमिट मेरी हो गई है, तो इसको हम अब इसके बाद पेमेंट रिसीव को अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप यहां से आप फिर से अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है नहीं है। तो यहां पे आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि लंबित भुगतान है, इस पर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं भुगतान की, या अपने रजिस्ट्रेशन को पंजीकरण को ट्रैक कर सकते हैं, या भुगतान की राशि अपलोड करनी उसके बाद अपलोड कर सकते हैं, या अपनी प्रिंट निकालनी चाहते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं, या पंजीकरण अगर खो जाते तो आप इस पर खोज भी सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो से कोई भी संबंधित क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आकर बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।